अनलॉक वन, अब मॉल भी खोले जाएंगे। जी हाँ, लखनऊ के शॉपिंग मॉल को खोलने को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने निर्देश जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में शॉपिंग मॉल नहीं खोले जाएंगे। जो मॉल खोले जाएंगे उस मॉल के कवर्ड एरिया के 1000 वर्ग फीट में सिर्फ 2 व्यक्ति ही रहेंगे। इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा। मॉल में उपस्थित लोगों की संख्या मॉल के बाहर डिजिटल रूप में प्रदर्शित करना होगा। कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अब अनलॉक की शुरुआत हो गई है, जहां पर अब खबरें आ रही हैं कि 8 तारीख से तमाम मॉल और रेस्तरां खोल दिए जाएंगे। तो उनकी तैयारियां भी हो रही हैं कि किस तरह से मॉल खोले जाएंगे। अगर हम लखनऊ की बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सबसे पुराने मॉल के बाहर, हजरतगंज के सहारागंज मॉल के बाहर। यहां पर अमूमन काफ़ी भीड़ होती है, इसी वजह से ये लखनऊ का सबसे भीड़ भाड़ वाला मॉल कहा जाता है। अब इसके खोलने की तैयारी की जा रही है और जैसा कि हम आपको दिखा दें, यहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है कि यहां पर एक डिस्प्ले लगाया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा नो मास्क नो एंट्री। इसके साथ ही में एक डिस्प्ले लगाया जाएगा जिसमें यह इंडिकेट किया जाएगा कि मॉल के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। वहीं पर जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं हैं वो सारी होनी चाहिए और जो लोगों में अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, जिससे कोविड-19 से लोग बच सकें। और जो यहां पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में है तो जाहिर सी बात है लोग अधिक संख्या में यहां पर आते हैं, तो उन्हें कोविड-19 से बचने के उपायों के बारे में पता होना चाहिए और जो तमाम नियम कानून हैं उनका भी पालन करना चाहिए। हालांकि अभी मल्टीप्लेक्स और जो गेमिंग जोन है वो नहीं खोले जाएंगे, लेकिन मॉल खोले जाएंगे और मॉल खुलने के साथ ही में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उनका पालन करना अनिवार्य होगा। लखनऊ से आशीष के साथ चंदमणि शुक्ला, आनंद टीवी।